ऑफ द सेशन इज ज्ञान वात्सल्य। आज जो हमारा सेशन है वो इसलिए है सबको पता चले कि जो चीज़ एनईपी का नाम सुना है आपने, क्या है एनईपी, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे बदलाव हुए। बदलाव क्या देख के हुआ, आपने देखा है कि 6th 7th के बच्चे 10th के बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं। अब आपने देखा है कि कुछ पेरेंट्स, आज भी हमारी मानसिकता क्या है, बच्चा लिखता नहीं है, तो अभी जब तक छोटा रहता है, जब तक हमारे कंट्रोल में रहता है, तो हम क्या करते हैं, 5 पेज ए लिख। उसका नुकसान हमें कब देखने को मिलता है, जब बच्चा 6th और 7th में जाता है तब देखना शुरू हो जाता है। फिर जब बोर्ड आता है तब बच्चा बगावत कर देता, मैं तो लिखूंगा ही नहीं, सुन लो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन द मदर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी किसको होती है, मदर्स को होती है। और DAV इज सच एन इंस्टीट्यूशन जो कि सबसे पहले प्रोएक्टिव तरीके से काम करना शुरू करता है ना। सो हमारा जो DAV सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस, वहाँ पे रिसर्च होता है। रिसर्च के बाद हमें हर चीज़ का गाइडलाइंस दिया जाता है, पता है, उसके ऊपर हम अपना टीम को बिठा के, ये लोग जो सारे आपको दिख रहे हैं अभी पावर पॉइंट में जुड़े हुए हैं ये लोग, तो यहाँ पे जो लोग दिख रहा है आपको टीचर्स, ये सारे बैठ के अनुभा मैम के साथ, मेरे साथ, वी डू द ब्रेनस्टॉर्म एंड देयर आफ्टर वी रीच टू दैट हमें पढ़ाना कैसे है, ठीक है। और आज हम आपको लॉजिक बताएंगे। तो बच्चों में कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि विकास होना चाहिए लाइफ के लिए, क्योंकि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्यों होता है हमारा, क्यों हम एजुकेट करते हैं बच्चे को, सो दैट दे लीड अ बेटर लाइफ, ओके, यस, फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ, एक्टिव इन, वेरी गुड, एक्टिव इन स्पोर्ट्स। पर स्पोर्ट्स में एक्टिव यानी कि आप फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, है ना। और आप अगर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो तो आप इसमें ये भी बात कर रहे हो कि स्पोर्ट्स में बच्चा अगर हार जाए तो अपने इमोशंस को कैसे डील करे, स्पोर्ट्स में अगर बच्चा जीत जाए तो ओपोनेंट को कैसे रिस्पेक्ट करे, यानी कि लाइफ स्किल्स की भी आप बात कर रहे हो। सो आप ये भी चाहते हो कि बच्चा अगर दुकान में जाए, मार्केट में जाए, तो अच्छी तरह से अपने सामान को खरीद पाए, इज इट दैट, यस, अच्छी तरह से बोलचाल कर पाए, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, यस। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच वी वॉन्ट। बट हम क्या करते हैं बच्चे को शुरू में, इसके लिए हम तैयार करना चाहते हैं, हमारा गोल ये है, पर हम 5 पेज ए लिखवा रहे हैं बच्चे को, जिससे कि उनका लिखने की क्षमता, लिखने के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और दूसरा इनके जो यहाँ पे मसल्स है, फाइन मोटर मसल्स है, वो इंज्योर हो जाता है। तो जो पेरेंट्स बचपन में सबसे ज़्यादा लिखने पे जोर देते हैं, प्री राइटिंग स्किल्स की जगह पे अगर लिखने पे जोर देते हैं, तो उन बच्चों के लिखने के प्रति, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट उनका कम हो जाता है, प्लस लिखने की क्षमता भी उनका धीरे 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 ख़त्म हो जाता है। सो DAV इज़ प्रॉबली द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन यू विल फाइंड इन गुजरात जो कि इस तरह से साइंटिफिकली बच्चों के बारे में सोच के काम करता है। हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे एक्टिविटीज़ किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, लैंग्वेज स्किल्स, देन इज कॉग्निटिव स्किल्स। सो लैंग्वेज स्किल्स में क्या आ रहा है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो टीचर्स ऐसे नहीं है DAV में कि बस चले गए क्लास में, दे हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स, जो रिसर्च हुए ना उसको हमें पढ़ना होता है, और यहाँ से कोई भी पेज से आप पूछ लीजिए, हमारे टीचर से सब बता देंगे, क्योंकि इसी के ऊपर सारे एक्टिविटीज़ बने, राइट। सो ये गाइडलाइंस है कि इस उम्र के, यानी कि 3 से 6-5 साल के बच्चों में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, ज़रूरत है। सो DAV हैज़ अ वेरी डिफरेंट थॉट, और दयानंद सरस्वती जी के प्रिंसिपल्स के आधार पर हमारा स्कूल चल रहा है, जिनको कि कोई एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। सो लैंग्वेज स्किल्स में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसमें सारी चीज़ें लैंग्वेज का आ जा रहा है। क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव आर्ट में आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड प्ले, ये सबसे भी बच्चे का, डांस जब बच्चा कर रहा है तो उसको बैलेंस करना पड़ रहा है, तो
तो उसको माइंड एंड बॉडी बैलेंस यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट भी उसमें से हो रहा है। जब वो बच्चा आर्ट कर रहा है, क्ले से कोई काम कर रहा है, तो उसके कौन कौन से मसल्स डेवलप हो रहे हैं बताओ? एब्सोल्युटली फाइन मोटर मसल्स उसके डेवलप हो रहे हैं, राइट? नाउ कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स में क्या क्या आ जाता है? व्हाट आर द थिंग्स? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कोई भी चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए कैसा दिखता है, ए की शक्ल कैसी है, राइट? सो दैट इज द ए, किससे हम लिंक कर सकते हैं, कौन कौन से शब्दों से हम ए लिंक कर सकते हैं, राइट? सो आवर स्कूल वॉन्ट्स टू ब्रेक दैट। अभी तक जो बच्चे बोलते हैं ए फॉर एप्पल, सो ए फॉर एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं, है ना, जो उनका ड्रीम हो सकता है, राइट? कि एस्ट्रोनॉट जो कि ऐसा करता है। ए फॉर एंट क्यों नहीं, कि मुझे एंट को बचाना है, ठीक है। सो ए फॉर एप्पल ही बच्चा जानता है, ए से कितने सारे शब्द हैं, तो वोकैबुलरी डेवलपमेंट जो है दैट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस एडल्ट्स। सो एंड देन इज ईवीएस साइंस, दैट इज एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कि एनवायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही है उसके प्रति अवेयरनेस। देन इज थिंकिंग स्किल्स, कि कॉग्निटिव में क्या आता है, कॉग्निटिव का मतलब ही होता है थिंकिंग, राइट? सो बच्चे को सोच देना कि सोचना क्या है, ये ट्रेनिंग मदर्स को देना बहुत ज़रूरी है, कि तुम जब खाली बैठे हो तो तुम क्या क्या चीज़ें सोच सकते हो। अब देखो, ऐसी ट्रेनिंग अगर हम अभी से देंगे तो क्या होगा, हमारे टेंशन आगे के कम हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे हमारा माइंड जब खाली रहता है ना, कि हमें सोचना क्या है, तो क्या होता है, कोई भी थॉट आ जाता है हमारे माइंड के अंदर और हमें एंग्जाइटी दे देता है, टेंशन दे देता है। सो अभी से अगर मदर्स सिखाएं कि बेटा अब तो खाली बैठा हुआ, ऐसे ही बैठे हुए, क्या सोच रहे हो अभी, मुझे कैसे सिखाना है मेरे बेटे को, मुझे कैसे सिखाना है मेरे बेटे को। अब मैं पूछूंगी कि मैम, ये सोचते हुए आपके मन में टेंशन की भाव आ रही है या फिर खुशी की भाव आ रही है? खुशी की, दैट ही कैन लर्न सो मेनी थिंग्स, कि अगर वो खाने बैठा है तो ये फूड कहाँ, ही इज इवन आस्किंग मी मम्मा आप फ्रूट कौन बनाए, गोडे के भी रीते बनाए, तो आई एम जस्ट थिंकिंग दैट। ओके, वेरी नाइस। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि वी विल हैव अ कॉम्पिटिशन ऑफ द मदर्स, कि बच्चों ने क्या सवाल पूछा और आपने कैसे जवाब नहीं देके जवाब दिए। अब इसका मतलब क्या है, कोई बोल सकता है व्हाट डू आई मीन बाय जवाब नहीं देके जवाब दिया? जवाब नहीं देके जवाब दिया का मतलब है प्रोबिंग द चाइल्ड टू कम अप विथ हिज और हर ओन आंसर, कि बच्चा पूछ रहा है कि ये भोजन जो हम खा रहे हैं ये गॉड ने दिया, कैसे दिया है, तो बच्चे से ये सवाल पूछे ना, हाँ बेटा कैसे दिया होगा। सो उसको बोलो कि चलो अभी हम ड्राइंग करेंगे कि आपको क्या लगता है कि गॉड ने हमें खाना कैसे दिया। आपको ए 5 पेज लिखवाने की जगह पे आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आपको क्या करवाना है ना। तो बच्चा जब भी कोई सवाल पूछ रहा है उसको एक आर्ट का पेपर दे दो और उसमें पीछे नोट लिख दो कि बच्चे ने क्या बोला। अब नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें आपको ये शेयर करना है और आपको अपने टीचर को इसका फोटो भेजना है कि आपके बच्चे ने क्या बोला। यू कैन डू अ वॉइस रिकॉर्डिंग ऑल्सो ऑफ योर चाइल्ड, ठीक है, और टीचर को भेजना, टीचर विल बी शोइंग टू मी। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी है, पेरेंट का इंटरव्यू कैसे लेना है, फादर मदर का बर्थ कब हुआ है, राइट, कौन से गांव में हुआ है, वो गांव कैसा था, सो ऑल दीज थिंग्स अगर आप कल्टिवेट कर सके तो उसका सोशल एंड इमोशनल कनेक्ट कितना बढ़िया होगा ना। यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स में क्या है, फाइंड माई पार्टनर, सो एक कैपिटल ए है तो उसको क्या फाइंड करना है, स्मॉल ए, और स्मॉल ए है तो उसको क्या फाइंड करना है, और नाम क्या दिया है इसका, फाइंड माई पार्टनर। इसके साथ साथ टीचर्स ये भी कर सकती हैं और करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ठीक है फाइंड योर पार्टनर, कैसे,
मे बी दैट आपका जो बर्थ मंथ है उसके हिसाब से देखो कौन कौन है आपके पार्टनर्स. सो वो क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा. व्हाट इज योर बर्थ मंथ? मे. आपका? वेरी गुड. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. तो मैं क्या हो गई, मेरी पार्टनर मुझे मिल गई. थैंक गॉड. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ द टीचर्स आर डूइंग दैट कॉन्सेप्ट टू पर्सनलाइज. तो जब कोई भी टीचर इसको पर्सनलाइज करवा देते हैं तो क्या होता है, बच्चा कभी नहीं भूलेगा एनी कॉन्सेप्ट. डीएवी के टीचर्स क्या करते हैं, उसको पर्सनलाइज करवा देते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो परमानेंट हो जाए. It's like that with a capital letter, you have to match a small letter and then you find out the picture related to that letter. अब ये है, अब एक लेवल पहले तो है बिग एंड स्मॉल का पार्टनर ढूंढा, फिर अभी क्या किया नेक्स्ट लेवल पे, क्या किया, ए का पिक्चर ढूंढा. न्यूज़पेपर में जितने भी ए हैं उसको एक छोटा सा न्यूज़पेपर लेके आप ला सकते हो कल, या फिर आप कर सकते हो न्यूज़पेपर से. चलो हम एक गेम खेलते हैं मदर्स के लिए होमवर्क, ठीक है. तो जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ गेम एसोसिएट करके अगर मदर्स सपोर्ट करे तो क्या होगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगा. उसके बाद हम आ जाएंगे किस में, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर स्कूल. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट कितना वाइब्रेंट क्लासरूम है आपका. अरे उसी लग रहा था स्कूल में इतना काम होता है आपको, पता था, इतना पता था हो रहा है पर इतना नहीं पता था. ओके, सो नाउ इज इंट्रोडक्शन ऑफ वावल्स. वावल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने वावल्स होते हैं, फाइव. तो इन्होंने सामने क्या प्लेस किया हुआ है वावल्स के, हैंड है ना. सो ए ई आई ओ यू, ए को दिखाओ, ए क्या है, ए. When the teachers are doing thumbs up, A, me, I am good, E, E, I am good. This is A, E, I, O, U, है ना. So इस तरह से A, E, I, O, U करो, A, E, I, O, U. A, दोनों हाथों से करो, A, E, I, O, जोर से बोलो, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. So you have the vowels in your hand. आपके हाथ में ही vowels है. Wow. A, E, I, O, U. Now make it very strong. And do you know? आपको पता है? ये जो सारे vowels है ना, इसी से सारे words बन जाते हैं. Blood, muscle, bones. इससे ह्यूमन बॉडी बन जाता है, शरीर बन जाता है. वैसे ए ई आई ओ यू सारे ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स में रहते हैं, ऑलमोस्ट. Children are learning how to be in line and identifying the words. और इसको maybe that आप लेके आए हो या आपने भेजा है या teachers ने किया है. So whatever it is, the children are learning the words खेल खेल में. हाँ, यही तो NAP के foundation stage का dream है ना, which is called in NAP में क्या कहेंगे उसे, बाल वाटिका. बच्चे को सैंड पसंद है या नहीं, तो दाग अच्छे होते घर पे ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट नहीं बना, ये हमारे बच्चों के लिए बना. तो इसीलिए घर पे सैंड लेके आ जाओ, सैंड लेके सैंड के ऊपर लिखो. सो आर यू सीइंग हाउ द राइटिंग इज बीइंग डन स्लोली. सो हिंदी में जम करे ऊ से
उछलना, एवरीथिंग, फॉर्मेशन इन सैंड और दैट का से कहानी है ना, सम कहानी द चाइल्ड इज स्पीकिंग, देन आर यू सीइंग द फ्लोर, ग्राउंड एंड सैंड, दीज ऑल आर कॉल्ड प्री राइटिंग स्किल्स. जितने हमारे डीएवी के बुक्स हैं ना, उसको साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है कि उतना ही लिखवाना है, इससे ज़्यादा फ्री राइटिंग होने दो. फ्री राइटिंग मतलब जहाँ बच्चे को मन करता है वहाँ लिखने दो. ए सीखा बच्चे ने, उसको मन किया, अभी वो बड़ा एक चार्ट पेपर बिछा दो, वहाँ पे बड़ा होकर के वो लिखेगा. लिखने दो, लिखता है ना बच्चा, लिखने दो, लिखने से प्यार होने दो, धीरे धीरे वो लिखावट जो है एक शेप ले लेगा, धीरे से मुड़ जाएगा अपने रास्ते पे. ऐसा कोई भी नहीं है जो अभी तक कॉपी में इतना बड़ा बड़ा ये लिखता है, वो स्लोली बाउंड्री कॉन्शियसनेस बच्चे का अपने आप हो जाएगा. बट बचपन में हमें बाउंड्री कॉन्शियस नहीं करना, पहले हमें क्या करना है, साइकिल जब सीखता है कोई बच्चा तो हम कहाँ पे सिखाते हैं, ग्राउंड में, जहाँ पे कोई बाउंड्री, कोई रोड का कॉन्शियसनेस नहीं है, फिर धीरे धीरे रोड पे ले आते हैं, है ना. इसी प्रकार से कि बाउंड्री कॉन्शियस अगर हम करेंगे तो बच्चा कभी भी साइकिल नहीं सीख पाएगा. लव द कॉन्सेप्ट, लर्न द कॉन्सेप्ट, स्टोर द कॉन्सेप्ट. लिटरली मैं आनंदी को बहुत डांटती थी, क्या कर रही है तू, लिख नहीं रही है, पहले तू लिखती थी, अब तुझे स्ट्रेस नहीं आता है. आज मुझे बहुत क्लियर हो गया, थैंक यू. आज क्लियर हो गया कि अहमदाबाद डीएवी क्या है. थैंक यू, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी. देखो मैं कुछ खास नहीं कर रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ जो इंडिया कह रहा है, भारत कह रहा है, एनईपी कह रहा है, डीएवी कह रहा है. सबसे पहले बच्चे की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है, और सेल्फ एस्टीम अगर ऊपर हो ना तो एक टांग कटे हुए लड़की भी एवरेस्ट चढ़ सकती है, अरुणिमा सिन्हा, है ना. सेल्फ एस्टीम अगर ऊपर है तो इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाता है इफ सेल्फ एस्टीम इज हाई. और जब हम एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज नहीं कराते हैं तो सेल्फ एस्टीम नीचे गिरता है और साथ साथ स्किल भी नीचे चला जाता है. सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर सेशन. थैंक यू.